एप्पल ने 12 सितंबर को अपनी लेटेस्ट सीरीज यानी कि आईफोन 15 को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज को लेकर कई खबरें सामने आई, चाहे वो फीचर स्पेसिफिकेशंस को लेकर हो या फिर प्राइसेस को लेकर हो। लेकिन इसके अलावा एक और खबर है जो सामने आई है और वो आपको चौंका सकती है। दरअसल एप्पल ने अपनी नई सीरीज लॉन्च होने के साथ अपने कुछ पुराने लॉन्च आईफोन्स को बंद कर दिया है। तो कौन से ये फोन बंद हुए हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आपको पता ही है कि एप्पल ने आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस को लॉन्च कर दिया है। आईफोन के जिन मॉडल्स को बंद किया है उनमें आईफोन 12, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल है। आपको बता दें कि आईफोन 14 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,39,900 रुपये है। इसे भारत की वेबसाइट से हटा लिया गया है। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो को भी भारतीय मार्केट में बंद कर दिया गया है। इसे 1,29,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुए आईफोन 13 मिनी को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आईफोन 12 को भी कंपनी ने अपने लाइनअप से हटा दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 69,900 रुपये है। इन्हें कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से तो हटा दिया गया है, लेकिन फिलहाल आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से इन्हें खरीद सकते हैं। जब तक ये अवेलेबल हैं स्टॉक में, तब तक आप इनको खरीद भी पाएंगे। अब आपको रीज़न ये बताते हैं कि क्यों कंपनी इस तरीके से अपने फ़ोन को, पुराने फ़ोन को बंद कर रही है। तमाम कंपनियां कुछ समय के बाद अपने पुराने फ़ोन को बनाना बंद कर देती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसकी डिमांड मार्केट में गिर जाती है। डिमांड गिरने की वजह से उसी कंपनी के लेटेस्ट फ़ोन होते हैं जो बेहतर टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ आते हैं। पिछले साल आईफोन 14 जब लॉन्च हुआ था तो उसके बाद कंपनी ने आईफोन 11 और आईफोन 12 मिनी को बंद कर दिया था। अब चलते चलते आपको लेटेस्ट लॉन्च सीरीज के मॉडल्स की अगर हम बात करें तो एप्पल ने आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस स्मार्टफोन को पेश किया है। एप्पल न्यू प्रोडक्ट्स की अगर हम अब लॉन्च प्राइसेस की भी बात कर रहे हैं तो आईफोन 15 की जो कीमत है वो 79,900 रुपये रखी गई है। iPhone 15 Plus का जो प्राइस है वो रखा गया है 89,900 रुपये। iPhone 15 Pro की जो प्राइस है वो है 1,34,900 रुपये। iPhone 15 Pro Max का जो प्राइस है वो है 1,59,900 रुपये। Apple के लेटेस्ट iPhone 15 और iPhone 15 Plus में यूजर्स को नया 48MP का मेन कैमरा दिया गया है। कंपनी ने इसमें A16 बायोनिक चिपसेट दिया है जो कि पिछले साल के प्रो वेरिएंट में मिलता था। नॉन प्रो मॉडल्स अब परफॉर्मेंस के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होंगे। इसमें आपको बेहतर बैटरी बैकअप भी दिया जाएगा। कंपनी ने इसमें वायर और वायरलेस दोनों तरह के कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी जोड़ दिया है। कॉल में यूज होगी मशीन लर्निंग। इस फीचर की हेल्प से आप नॉइस कैंसिलेशन का यूज कर फोन कर सकते हैं, यानी कि आपके आसपास कितना भी शोर क्यों ना हो, फोन कॉल पर आपको ये शोर सुनाई नहीं देगा। कंपनी ने अपने SOS और सैटेलाइट कॉलिंग फीचर को भी एक्सपैंड कर किया है। कंपनी ने इमरजेंसी के लिए रोड साइड असिस्टेंट फीचर को जोड़ा है, जिसकी हेल्प से आप इमरजेंसी अपना मैसेज सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए भेज सकेंगे। सैटेलाइट फीचर 2 साल तक के लिए फ्री मिलेगा। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आप कब से इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max के प्री ऑर्डर 15 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। इस फ़ोन की बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी। Apple का कहना है कि iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max को ब्लैक टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम और वाइट टाइटेनियम फिनिश में ख़रीदा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप iPhone 12 और iPhone 13 mini को यूज़ कर रहे हैं, ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें। अगर आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। YouTube पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।